प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा का बयान सामने आया है, आपको बता दें, जिसमें उन्होंने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की और साथ ही उन्होंने पीएम मोदी का जो आह्वान है कि घर घर तिरंगा फहराएं, इस पर भी अपना बयान दिया। उन्होंने इस पर अपना बयान देते हुए कहा कि हमारे भाव तिरंगे के माध्यम से राजनीति करना नहीं है, उपलब्धता कराने के लिए हमने स्थान तय किया है। और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। प्रधानमंत्री का आह्वान है तो उस आह्वान पर जमीन पर घर घर में हर घर तिरंगा फहरे, ये हमारा भाव है। हमारा भाव तिरंगे के माध्यम से कोई राजनीति करना नहीं है। लेकिन कांग्रेस, और देखिए, हमने उपलब्धता कराने के लिए स्थान तय किया है और फ्री की संस्कृति ये कांग्रेस की जिंदगी भर लोगों को गुमराह करने की रही है। हर बात फ्री में देना, ये सब करना, तो वो उसी पर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूं कि उनको भी सकारात्मक माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान को मान करके आजादी के अमृत महोत्सव में तिरंगा बांटने का काम कर रहे हैं, तो तिरंगा लोगों को उपलब्ध कराएं, ये अच्छी बात है। और इसमें दृष्टि ठीक होनी चाहिए, दृष्टि केवल यही होनी चाहिए। बेच तिरंगा को, तिरंगा को बेच नहीं रहे, तिरंगा की उपलब्धता करा रहे हैं कि यहां पर आप आएंगे तो आपको, मुझे मेरे घर पर तिरंगा लगाना है तो मेरे घर में तो फैक्ट्री नहीं है, मुझे कहीं से तिरंगा लेना पड़ेगा। तो कांग्रेस तो विकृत मानसिकता का राजनीतिक दल है, अब इसको ही आप कहने लग गए। अरे हम तो उपलब्ध करा रहे, तुम तो गांधी जी के विचारों को बेच करके 55 वर्ष राज कर गए देश पर, और गांधी जी के विचारों को ही धो डाला इस देश के अंदर, जिस काम को देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने गांधी जी के विचारों को जमीन पर उतारने का काम किया है। तो आप तो विचारों को बेच रहे थे और आज भी उसी नाम को आप देश के अंदर बेचने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि कुल मिलाकर के कांग्रेस एक विकृत मानसिकता का दल बन गया है, इनको तो केवल हार